हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे हैं और आज संडे है तो मैं सुबह 5 बजे ही उठी थी। उठकर मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद फिर छत पे जाके ध्यान भी लगाया, योगा भी की। और अब मेरे पास थोड़ा काम आया हुआ था तो आज मैं दिखाती हूँ कि साड़ियों की पिको किस तरह से मैं करती हूँ। और फ्रेंड्स, ज़मीन में रखकर मैंने पहले ब्लाउज पीस को कटिंग कर दिया है। अक्सर छोटी भी होती हैं साड़ियाँ तो हमें ब्लाउज पीस निकालने से पहले किसी और साड़ी से साड़ी को नाप लेना चाहिए ताकि हमारी साड़ी छोटी ना हो। तो मैंने एक दूसरी साड़ी से इस साड़ी को नाप ली है और जो भी ब्लाउज पीस निकलेगा इसमें, तो मुझे लगा कि ये साड़ी थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने नापी, तो सही में ये छोटी थी साड़ी। तो ब्लाउज पीस का जो भाग था, जो निशान लगाया हुआ था, उससे थोड़ा बढ़ा के मैंने लिया है क्योंकि साड़ी लंबी होनी चाहिए, इससे हमारी कोंची अच्छी होती है, अच्छी लुक आती है। और ब्लाउज का क्या है, इसमें गोल्डन ब्लाउज भी हम डाल सकते हैं, रेड ब्लाउज सिंपल जो आती है मार्केट में पीस, उसका भी हम ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। तो कभी भी ब्लाउज पीस काटिए साड़ी से तो हमेशा नाप के ही काटिए क्योंकि साड़ी में निशान तो लगा रहता है ब्लाउज पीस का, लेकिन वो छोटी भी हो सकती है। ये है पिको मशीन, इसमें सिर्फ पिको और मैं डिजाइन वगैरह बनाती हूँ क्योंकि इसके फंक्शन बहुत ही बारीक होते हैं और एक बार अगर ख़राब होते हैं तो मिस्त्री को बहुत अधिक पैसे देने पड़ते हैं ठीक कराने के। और सिलाई मशीन जो है, एक और है मेरे पास, वो तो ख़राब भी हो जाती है तो मैं खुद से ठीक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पिको मशीन का फंक्शन कुछ अलग होता है, इसमें सब कुछ आगे से ही पड़ता है, बॉबिन केस वगैरह, धागा, सुई में धागा भी आगे से ही पड़ता है, इसका सब सिस्टम अलग अलग है। और देखिए, ये पिको ऑटोमेटिक होते चल जाएगी सिलाई में, देखिएगा आप भी, मैं दिखाऊंगी अभी करके सिलाई इसमें पिको की। ये मशीन थोड़ी महंगी आती है लेकिन इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंटरलॉक वगैरह भी हो जाती है। एक साड़ी का पल्लू जो किनारा है उसे ध्यान रहे कि जब हम स्टार्ट करेंगे पिको करना तो किनारे को हल्का सा खड़ा टाइप में रखना है कपड़े को उठाकर, उससे क्या होता है पिको अच्छा से हो जाता है, मुंह अच्छा से बंध जाता है। हमें मशीन का भी रख रखाव अच्छे से रखना करना चाहिए, उसे ढककर रखना चाहिए और उसमें बीच बीच में तेल भी देते रहना चाहिए। तो ये हो गई मेरी पिको, तो देखिए कितने अच्छे से इसका मुंह बंध गया है और ये पिको हो गई है, बहुत ही शानदार लग रही है, अच्छी लग रही है। ये जो साड़ी है इसमें एक तरफ तो किया हुआ था तो दूसरी ओर कर दी पिको, अब ये समेट रही हूँ। कुल मिला के 3 साड़ी थी, तीनों की पिको कर दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।